हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट डिस्कशन करने वाला हूँ। आपका एमएसटी सीईटी के मार्क्स इंपॉर्टेंट है या जेई के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो, आपके लिए जेई के मार्क्स एक वरदान की तरह है। सीईटी के मार्क्स आपके लिए मोस्टली यूजलेस ही है, आप ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। जेई के मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस जगह पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए जेई के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात है। लेकिन अगर मैं उसी जगह एमएसटी सीईटी की बात करूं, तो अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो आपके लिए एमएसटी सीईटी के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जेई। अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो तो आपके लिए एमएसटी सीईटी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू जेई। पहली चीज क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, क्या ओएमएस स्टूडेंट्स को जेई के थ्रू एडमिशन मिलता है या एमएसटी सीईटी के थ्रू एडमिशन मिलता है? 90% 95% थ्रू जेई ऑल इंडिया कोटा के अंडर मिलता है, क्लियर बात है। अगर मैं बात करूं सीईटी के बच्चों को जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है उनके लिए सीईटी से भी एडमिशन मिलता है, जेई से भी एडमिशन मिलता है, लेकिन जेई से आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होता, आपको ओपन स्टूडेंट कंसिडर करके कट ऑफ निकलता है आपका, क्लियर बात है। आई होप आपको चीजें समझ रही होगी, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं, क्या नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट अगर हम है तो हमें जो जेई के थ्रू एडमिशन मिलेगा उसमें कैटेगरी कंसिडर होगी? बिल्कुल नहीं होगी कैटेगरी कंसिडर। महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो क्या कैटेगरी कंसिडर होगी जेई के मार्क्स के लिए? बिल्कुल नहीं कंसिडर होगी। हम महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है लेकिन हमें सीईटी दिया है तो कैटेगरी कंसिडर होगी? बिल्कुल होगी। हम नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है क्या कैटेगरी कंसिडर होगी? नहीं होगी इन केस ऑफ सीईटी। चारों चीजें क्लियर हो गई, आई होप आपके दिमाग के कंफ्यूजन अभी क्लियर हो रहे होंगे, है ना। तो किससे एडमिशन लेना सही रहेगा? अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो नो डाउट आपको सीईटी के थ्रू ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आपके सीईटी के बहुत कम आए और जेई के थोड़े से ज्यादा है, देन यू कैन ट्राई फॉर जेई। काउंसलर आपको जेई की भी लिस्ट बना के देंगे, समझ रहे हो, अगर आपके जेई के मार्क्स ज्यादा है तो, समझ रहे हो बात को। अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो सीईटी को मत इतना मतलब इंपॉर्टेंस दो, आप जेई के लिए इंपॉर्टेंस दो, जेई के मार्क्स के हिसाब से चलो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, पीडब्ल्यू ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन बैचेस लॉन्च किए, जिससे कि आप एक अच्छे आईआईटी में जा सको, अच्छे पीएसयू में जा सको, ठीक है। तो अभी आपको आपकी गेट 2027 की प्रिपरेशन गेट वाला के साथ शुरू कर देनी है। सारे बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, मैं सारे बैचेस के बारे में अभी आपको बताऊंगा। पहली जो बैच है आपका पराक्रम 2.0 गेट 2025 बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 7,200 रुपए है, इंग्लिश एंड इंग्लिश बैच है। नेक्स्ट है आपका विजय 2.0 गेट 2025 रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी, जिसकी प्राइस सिर्फ 5,400 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ 2.0 गेट 2026 बैच भी, जिसकी प्राइस सिर्फ 9,400 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ गेट 2026 केमिकल बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 15,999 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ ईएससी प्लस गेट 2027 बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 19,800 रुपए है। नेक्स्ट है आपका पराक्रम 2025 प्लस ईएससी प्लस गेट प्लस पीएससीयू बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 11,999 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ 2026 ईएससी प्लस गेट प्लस पीएससीयू बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 15,999 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ 2.0 गेट 2026 प्लस पीएससीयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच बी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए, जिसकी प्राइस सिर्फ 15,999 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ गेट 2027 पीएससीयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 19,800 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पराक्रम 2.0 गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ 11,999 रुपए है। नेक्स्ट है आपका ईएससी नॉन टेक 2025 जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 4,999 रुपए है। अभी आप पीडब्ल्यू के साथ इन्फिनाइट लर्निंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो विथ बैच इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें आपको आपका गेट खजाना पीवाई की उसके बुक और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, तो आपको इस चीज को मिस नहीं करना है। इन सारे बैचेस के अगर मैं कोर फीचर की बात करूं तो लेक्चर प्लानर एंड टेस्ट प्लानर आपके बैच के नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी, एमसीक्यूज एमएसक्यूज एनएटीएस पर टाइप्स के आपके क्वेश्चन होंगे, टोटली गेट के पैटर्न के अलाइन। उसके बाद लाइव लेक्चर्स होंगे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा, टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, लाइव डिस्कशन होगा उन प्रैक्टिस शीट्स का, डाउट इंजिन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, पीवाईक्यूज आपके क्विज फॉर्मेट में कंडक्ट किए जाएंगे,
आएंगे और क्वेश्चन सारे ईएससी और गेट के पैटर्न से अलाइंड होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपको दो सेट्स मिलते हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। इसमें आपको लास्ट 16 साल के PYQs देखने को मिलेंगे फ्रॉम 2008 टू 2023, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, स्पेशली डिजाइन है गेट एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। और इसमें आपको QR फॉर्मेट में आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां पे मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना है YSH500, आपको और भी ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है और टॉप PSC और टॉप IIT में जाने के लिए आपको रेडी हो जाना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं। अगर हम नॉन महाराष्ट्रियन है, हमने JEE नहीं दिया, तो then you can reach to private universities with your MST CET score. Then they can approach or they can accept your admission. समझ रहे हो आप? Normal colleges को भी visit करो, government aided college को भी visit करो और उनको बताओ ये मेरा score card है MST CET का और मुझे admission चाहिए. They can approach. वो आपको guide करेंगे, वो आपको accept करेंगे. तो tension लेने की जरूरत नहीं कि हमारे लिए MST CET का क्या use है. बिल्कुल यूज है। अगर आप सीईटी सेल से आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, वाया कैपराउंड आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर डायरेक्ट कॉलेज अप्रोच। समझ रहे हो बात को? तो वो ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। जो महाराष्ट्रीयन स्टूडेंट है, जिसके JEE में 90 अबो है और सीईटी में 60 बिलो है या 70 बिलो है, 80 बिलो है, देन यू कैन गो फॉर JEE. JEE में भी आपका अच्छा नंबर लग सकता है, JEE में भी कट ऑफ नीचे जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता। आई होप आपको चीजें समझी होगी, क्लियर हुआ होगा, क्लैरिफिकेशन क्लियर होगा हुआ होगा आपको चीजें कि JEE और CET में क्या अंतर है इन सब चीजों के मामलों में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शॉर्ट एंड मतलब एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट एंड डिटेल था, चीजें भी समझ गई और वीडियो भी कम लेंथ का है ना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैपराउंड प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। चाहे आप OMS स्टूडेंट हो या फिर महाराष्ट्रीयन स्टूडेंट हो, आपको दोनों के लिए काम आएगा। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर।